नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा, वॉइस फॉर नेशन में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। किस तरह की कार्रवाई हो रही है और कितने लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, कितने मकान यहाँ पे आज छोड़े जाएंगे, क्या कहना है? यहाँ पर 5 अतिक्रमण है वन भूमि पर, उन पर कार्रवाई होनी शुरू हो गया कार्रवाई, बाकी के 4 पे और होनी है। अभी तक कितने मकानों पर कार्रवाई की जा चुकी है वन विभाग द्वारा? वन विभाग मकानों पर अतिक्रमण पर कार्रवाई है, 211 अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे जिसमें 55 बचे हुए हैं, सबसे कार्रवाई होगी आज, ये यहाँ पर शुरू हो गया। आज यहाँ कितने मकानों पर कार्रवाई की गई है? आज शुरुआत की गई है अभी। अच्छा, ये जो कार्रवाई की गई है, पहले एक बार ही चश्मा लगाए गए थे, क्या वही मकान है उन पर ही कार्रवाई की जा रही है, क्या मामला है ये पूरा? जिनको चिन्हित किया गया था वन भूमि में, जिनके मकान थे उनको पूरा सुना गया बाकायदा, उन्हीं को जब निश्चित हो गया सर्वे में कि ये वन विभाग वन भूमि पर अतिक्रमण है, उनको पूरा मौका दिया गया खाली करने के लिए, 10 दिन का नोटिस दिया गया, उसके बाद ये कार्रवाई की गई। अतिशन शर्मा चूतट्टी का राम बाबा मंदिर पुजारी। हाँ जी, निवेदन ये है कि भैया ये इसका मुकदमा दीवानी न्यायालय में चल रहा है और वहाँ से दीवानी न्यायालय का एस टी है, और इन्हें पहले भी थोड़े दिन पहले भी इन्होंने कार्रवाई की थी, तो इनके खिलाफ हम दीवानी में तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी, दीवानी न्यायालय में हमने इनके खिलाफ कंडम अवमानना का याचिका दायर कर रखी है दीवानी न्यायालय मथुरा में, फिर भी इन्होंने जबरदस्ती और फिर इनने अपने यहाँ एक अलग से मुकदमा हम पे दायर करके जबरदस्ती दीवानी न्यायालय के आदेशों को दरकिनार करते हुए जबरदस्ती इन्होंने वन विभाग ने DFO साहब ने जबरदस्ती ही अपना आदेश पारित कर दिया है, जिसके खिलाफ हमने हाईकोर्ट में इस आदेश के खिलाफ इन्होंने जो DFO साहब ने आदेश पारित किया है वहाँ अपील हमने दायर कर दी है हाईकोर्ट, हमारी इस आर्जी को नहीं मानने, हमने 10 दिन के लिए आज कह रहे हैं क्या आज दिन का मौका दिया क्या, है। क्या आज आपके मकान पे भी कार्रवाई हो गई? हाँ, हमारे मकान पे कार्रवाई हो रही है, ये ठाकुर जी की जमीन है, ठाकुर जी के पुजारी हैं और जबरदस्ती सत्संग भवन बना हुआ है, NGT के आदेश है, SNST से पहले कोई भी नहीं हटाया जा, तभी जबरदस्ती हमारे पास ये कार्रवाई की जा रही है, साधुओं की इसमें कुटिया है, कुटिया को भी हटाया जा रहा है जबरदस्ती। सर, ये तोड़फोड़ की जो प्रक्रिया चल रही है क्या चल रही है और कितने निर्माणों के खिलाफ आज कार्रवाई कर रहे हैं? ये यहाँ पर 5 निर्माण है, आज कार्रवाई की जाएगी। कितने हैं? 5 अवैध निर्माण हैं। आज पूरी कार्रवाई कितने निर्माणों पे होनी है? पूरी कार्रवाई अभी हमारी प्रस्तावित है, करीब 20-25 निर्माण बचे हुए हैं जो हमारे अभी जदीपुरा और गोरबा में मिला के हैं, जो अभी आगे कार्रवाई की। किस क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है? ये माननीय एनजी टी के निर्देश में जो है अतिक्रमण चिन्हित हुए थे हमारे, और हमारे DFO साहब के यहाँ उनकी सुनवाई हुई, उसमें जो आदेश पारित हुए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। अभी ये जो निर्माण टूट रहा है इस पर ये बता रहे हैं इन पर सर्वोच्च हाईकोर्ट का या जिला न्यायालय का कोई आदेश है? लोकल कोर्ट का एक स्टे था जो अदम पहलगी के कारण हमारे इनके पक्ष में हो गया था, उसको हमने खारिज करा दिया और DGC से राय लेके कहा इसमें कोई आदेश करने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई कानूनी अड़चन नहीं है, तब ये बता हमने आदेश पारित किया, उन्होंने आदेश लेने से मना करा, जिसको इसको चस्पा किया गया, इनको 10 दिन का टाइम था, वो 10 दिन के अंदर जो है हमारे कंजेटर साहब की अपील करनी थी, उन्होंने अपील ना करके हाईकोर्ट का भय दिखाकर ये लोग जो है अपना करना चाह रहे हैं कंटेम्प्ट कर देंगे, लेकिन नियमानुसार जो है इनको अपील में गई नहीं, तो इसलिए 10 दिन के पूरे हो गए, इसलिए उनको हटाया जा रहा है।